Hello dear students, again Vinay is here to welcome you in the class of physical education and sports science. पिछली क्लास में हमने जो various kinds of starts हैं उन पे हम बात कर रहे थे. इसमें हम स्प्रिंटिंग स्टार्ट जो ब्लॉक्स हैं उनको सेट कैसे करते हैं. अच्छा अभी सबसे पहले तो आप लोगों को लिए बहुत बहुत शुक्रिया मेरा कि आपकी प्रेयर्स शायद काम कर रही है. मेरा लिवर जो है वो फिर से अपने आप को रिगेन कर रहा है. अभी काफी सही सिचुएशन में हूँ. ऑनलाइन क्लास तो खैर नहीं ले सकता अभी, अभी हिचकियाँ काफी आती हैं. तो हो सकता है कि आप लोगों की याद की वजह से भी आ रही हूँ. चलिए तो आज हम बहुत जल्दी, जैसे ही मैं पूरी तरह से सही हो जाऊंगा, हम फिर रेगुलर क्लासेस अपनी करेंगे. आज हम स्प्रिंटिंग स्टार्ट जो होता है, या फिर इसको सिटिंग स्टार्ट बोलो आप, ब्लॉक स्टार्ट बोल दो, ठीक है, क्रॉच स्टार्ट भी इसको बोलते हैं. तो एक्चुअली इसमें क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये रहती है कि जो ब्लॉक्स की सेटिंग हम किस तरह से करें, क्योंकि ब्लॉक्स के जो एंगल होते हैं उनको सेट करने में जो जनरल स्टूडेंट्स रहते हैं एक पर्टिकुलर कोच के अंडर में अगर आप ट्रेनिंग ले रहे हैं तो ये इतना बड़ा प्रॉब्लम फुल चीज नहीं है, बिकॉज ही विल लेट यू नो ईच एंड एवरीथिंग. बट अगर आप सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसके लिए बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है कि वो जो फ्रंटल ब्लॉक है या रियर ब्लॉक है उसके एंगल को किस तरह से वो मैनेज करे, ताकि उसकी जो मैक्सिमम एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ के थ्रू जो जो स्टार्टिंग में जो गेन करना होता है आपको, ठीक है, उसको एक्सीलरेशन फेज तक किस तरह से पहुंचाया जाए, या फिर जो आपकी बैंग पोजिशन है उसका सबसे बेहतरीन यूज किस तरह से किया जाए. ओके चलिए. अच्छा यहाँ आपको लेफ्ट कॉर्नर में, राइट कॉर्नर में एक लेग दिखाई, लोअर लेग दिखाई दे रहा होगा. इसको थोड़ा सा आप गौर कर लीजिए, ये सिन लेंथ जो है उसको किस तरह से हम मैनेज करते हैं, ठीक है. आई होप दैट कि आपको समझ में आ रहा होगा खूब ठीक से. तो यहाँ से जब आप करेंगे तो ये सिन लेंथ के बारे में आपको पता चल जाएगा पूरी तरह से, ठीक है. तो हम कहाँ से कहाँ तक से सिन लेंथ लेते हैं, क्योंकि इसको हम आगे आने वाले टाइम में ना यूज करने वाले. चलिए तो व्हेन स्प्रिंटिंग स्टार्ट एथलीट्स स्टार्ट यूजिंग स्टार्टिंग ब्लॉक इनिशियल प्रॉब्लम दे एंड द कोच एक्सपीरियंसिंग इज डिटरमाइनिंग टू करेक्ट सेटिंग फॉर द फ्रंट एंड रियर फुट ब्लॉक्स. तो ये प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है. तो टेक्निकली उसको किया कैसे गया कि जो डिस्टेंस बिटवीन फ्रंट ब्लॉक से स्टार्टिंग लाइन की जो डिस्टेंस है उस वो क्या होती है 55-60% ऑफ लेग लेंथ. अच्छा अगली स्लाइड में जब हम अगली स्लाइड वाली है तो इसमें सारी चीजों को मैं पूरी तरह से आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा अभी कि मतलब कहाँ से कहाँ तक कौन सी वाली लेंथ है उसको यूज करते हैं, ठीक है. तो लेग लेंथ आप अपना ये समझ लीजिए कि जो हमारा हिप जॉइंट होता है, हिप जॉइंट से लेके नीचे आप पूरी फुट तक की जो लेंथ होती है उसको लेग लेंथ बोलते हैं, ठीक है. द डिस्टेंस बिटवीन द ब्लॉक शुड बी सिन लेंथ. जो दोनों ब्लॉक्स के बीच में डिस्टेंस है वो लगभग सिन लेंथ के बराबर आपकी होनी चाहिए, जो कितनी होगी 42-45% ऑफ योर टोटल लेग लेंथ के बराबर होगी, ठीक है. बहुत अच्छे. सो द मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर हम और ज्यादा इसकी बात करें तो हमने पहले हम काफी सारी बात कर चुके हैं उसके बारे में, प्लेसिंग के बारे में, जो फ्रंटल जो आपका ब्लॉक है. तो फ्रंटल ब्लॉक में बेसिकली क्या रहता है कि फ्रंटल ब्लॉक को आप 2 फुट लेंथ पे रख दीजिए और जो रियर ब्लॉक है उसको 3 फुट लेंथ पे आप रख दीजिए. और ज्यादा अगर इसको आप स्ट्राइड्स में देखना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, स्पेसिंग कैन बी एडजस्ट फ्रॉम The best of the performance over a first 7-8 stride, ठीक है. क्योंकि 7-8 stride जो मैं आपको बताया bank position से, जो actually हम लगभग 30 meter तक धीमे धीमे अपनी body को क्या करते हैं, सीधा करते हैं, जिससे कि जो हमारा momentum है, जो हमने explosion के through जो bank position थी वहां से जो get किया है वो momentum आपका break नहीं है, ठीक है. चलिए बहुत अच्छे. So many books recommend these ideal angles, legs in set position and sprinting start using
स्टार्टिंग ब्लॉक्स आर, किस तरह से बोलते हैं बोलो? वो कहते हैं कि लीडिंग नी एंगल जो है वो 90 डिग्री से लेके 110 डिग्री तक जा सकता है। अच्छा, ये एंगल जो होता है रेंज में क्यों होता है? रेंज इसलिए रहता है कि हमारे पास तीन टाइप के स्टार्ट रहते हैं, चाहे वो बंच एंड ब्लट स्टार्ट रहे, फिर मीडियम स्टार्ट रहे, या फिर लंगोटे स्टार्ट। तो इन सब में अगर जब हम अपने रियर फुट को जब आगे पीछे कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से जो फ्रंटल नहीं होता उसका एंगल भी हमें एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये 90 कोई फिक्स नहीं है, वैसे आइडियल 90 को माना जाता है। ऐसे रियर नी का एंगल जो आइडियल माना जाता है वो 120। अच्छा, ये जो एंगल माने किस पे जाते हैं? ये हमेशा माने जाते हैं जो मीडियम स्टार्ट होता है, और मीडियम स्टार्ट में ही सबसे ज्यादा एडवांटेज रहता है। लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि कोई जो जिनकी शॉर्ट लेंथ रहती है वो लोग आपका क्रॉस स्टार्ट यूज करते हैं, जिनकी मिडिल हाइट रहती है वो मीडियम, और जो ज्यादा लंबे होते हैं वो ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं लंबे स्टार्ट के लिए। ठीक है, चलिए। तो ब्लॉक एंगल्स की अगर बात करें, अभी आप देखेंगे व्हेन बी सेट अप टू द मेक श्योर दैट द फ्रंट ब्लॉक डाउन क्रिएटिंग टू द स्मॉलेस्ट पॉसिबल विद द ट्रैक, आइडियली ब्लॉक पैडल्स शुड बी एट 30 डिग्री। 30 डिग्री के आसपास आपका जो ब्लॉक है, फ्रंटल ब्लॉक है, वो उस पर होना चाहिए, ताकि आपका जो स्ट्रेच रिफ्लेक्स है उसके थ्रू जब आप बैंक पोजीशन में जाएं तो आपका एंगल जो है फ्रंटल क्या कहते हैं आपका सॉरी, जो एंगल है आपका लैंड से, फ्रंटल ब्लॉक का एंगल जो है, ब्लॉक कहें आपके पैर का एंगल जो है वो 45 डिग्री के आसपास रहे, जिससे आपको मैक्सिमम रेंज मिल जाए। ठीक है, तो मैथमेटिकल अप्रोच क्या है इसकी? उसमें 120 और 90 डिग्री, जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं कि इसको आइडियल एंगल माना जाता है। अब इसको कैलकुलेट कैसे कैसे करते हैं? इसको कैलकुलेट करने के लिए आपने क्या करना है, आपने एक काम जो करना वो ये करना है मेरे प्यारे बच्चों, कि ये जैसे जैसे आपको इसमें जो दिखाई दे दे रही है, देखो ये ए एल दिया हुआ है, इसका मतलब है आर्म लेंथ। बी एल जो दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे आपका जो शोल्डर ज्वाइंट है यहाँ से हिप ज्वाइंट तक, इसको बोलते हैं बैक लेंथ। अच्छा, हिप ज्वाइंट से लेके नी वाले ज्वाइंट तक आपका अपर लेग लेंथ है, फिर ये लोअर लेग लेंथ है, फिर उसके बाद फुट लेंथ। तो ये सारी चीजें क्या है ना, ये आप जो अपनी मेजर कर लेंगे इस पोजीशन में, ये आपको ध्यान रहे कि कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वो खड़े होके ये सारी की सारी लेंथ आपने मेजर कर ली। अब आप ये कहेंगे कि सर खड़े होके लेंथ मेजर करने में, या फिर ये जो पोजीशन है हमारी बैंक क्या नाम है सेट की पोजीशन, इसमें और उसमें फर्क क्या है? इसमें और उसमें फर्क ये रहता है बेटा कि अगर आप खड़े होंगे तो ये देखो, ये जो आपकी कर्व पोजीशन जो बनी हुई है बैक की, इसमें लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाएगी, वहीं यहाँ पे वो लेंथ कम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हम क्या है, यहाँ पे हम एक आर्क बनाते हैं, और यहाँ से हम जमीन से जो आर्म लेंथ लेते हैं वो जमीन से लेते हैं। अभी आप लेंगे तो आपकी उंगलियों की लेंथ बढ़ जाएगी उसमें, ठीक है ना? चलिए, तो आप इसको समझ लीजिए कि इसको कहाँ से कहाँ तक लेते हैं। एक तो आप सेट पोजीशन में होने चाहिए, दूसरी बात ये कि जो आर्म लेंथ है वो आपकी क्या वर्टिकल डिस्टेंस है फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ द शोल्डर टू द ग्राउंड। ठीक है, बैक लेंथ क्या है आपकी? मिड पॉइंट ऑफ द शोल्डर टू द मिड पॉइंट ऑफ हिप। अब अपर लेग लेंथ की बात करेंगे तो अपर लेग लेंथ की डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक मेजर करेंगे आप? मिड पॉइंट ऑफ द हिप टू द मिड पॉइंट ऑफ नी। लोअर लेग लेंथ को आप कहाँ से कहाँ तक मेजर करेंगे? मिड पॉइंट ऑफ द नी टू द बॉटम ऑफ द शू। ठीक है, अब लास्ट ले आती है आपकी फुट लेंथ, मिड पॉइंट ऑफ द एंकल टू द मिड पॉइंट ऑफ ठीक है ग्राउंड, जो आपका ये ग्राउंड जहां जहां पे आपका जो जो पैर है वो टच करता है ग्राउंड को, वहां तक आप, या फिर आप ये कह सकते हैं मिड पॉइंट ऑफ द शू जो है उसकी लाइन जो आ रही हो वहां पे आप उसको मेजर कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, इसका अब एप्लीकेशन किस तरह से करना है? ये हमारे पास एक ब्लॉक सेटिंग कैलकुलेटर आता है, ये कैलकुलेटर ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो
तो आपने क्या करना, मैं उसका लिंक भी आपको दे दूंगा यहाँ पे, तो सीधे सीधे आप लिंक टाइप कर देंगे, वो आपको मिल जाएगा। अब देखिए आपने क्या करना है, आपने अपनी आर्म लेंथ मेजर कर लेनी है। इसमें मैंने अपनी ये आर्म लेंथ वगैरह डाली हुई है, उसके हिसाब से ये एंगल्स आए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए अभी आप देखिए आर्म लेंथ, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी 77 है, बैक लेंथ 55, अपर लेग लेंथ 43, फुट लेंथ 23, लोअर लेग लेंथ, ये सारी की सारी चीजें जो है वो यहाँ पे दी हुई है, ठीक है, गुड। अब डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग लाइन, ये सब निकल के आ जाएगी, डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग लाइन टू रियर पैड, ये एंगल ऑफ फ्रंट पैड, एंगल ऑफ रियर पैड, फुट स्ट्राइक अप्रोक्सीमेटली, तो ये सारी की सारी चीजें क्या है ना, ये आपको मतलब मिल जाएंगी। और आपको सिर्फ क्या करना है, ये सारी चीजें अपने मेजर कर लेनी है, आर्म लेंथ, बैक लेंथ, अपर लेग लेंथ, लोअर लेंथ और फुट लेंथ। इसको आप उस कैलकुलेटर में डाल दीजिए, इस कैलकुलेटर में आपको सारे एंगल्स जो है वो मिल जाएंगे। अच्छा इसको कहाँ से देखेंगे आप, STPP फिर /www.brainmac.co.cu/sprints/blockset.stm, तो इसको आप सीधे सीधे वहां पे टाइप कर दीजिए, ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। आई होप दैट कि इससे आपको जो भी बच्चे हैं जो अपनी सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको काफी हेल्प मिलेगी। और दूसरी बात यह है कि जो हमारे TGT और PGT वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी काफी अच्छी तरह से इस चीज को समझ पाएंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो अब के टाइम में जो भी आपका एग्जाम आने वाला है उसमें कोई ऐसे नहीं पूछे जाएंगे। इस बात को मैं बार बार रिपीट करते रह रहा हूँ कि वो ऐसे क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे कि स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा क्वेश्चन मिल गया, कि जैसे आपको पहले क्वेश्चन मिल जाते थे कि फ्रंट नी का एंगल कितना होगा, आपने बस टिक कर दिया 90 डिग्री, रियर नी का एंगल क्या होगा 120, आपने टिक कर दिया। अभी वो मतलब बड़ा अच्छी तरह से क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर आपका एलोंगेटेड स्टार्ट ले रहा है कोई भी आदमी तो उसकी रेंज कितनी होगी एंगल की, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है वो आपको आगे आने वाले एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। तो आई होप दैट कि आप प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, सो इट विल बिल्ड अप योर मोर अंडरस्टैंडिंग, दैट विल रियली रियली हेल्प फॉर यू। ओके, तो आज की क्लास के लिए इतना ही, और धीमे धीमे जैसे ही मेरी हेल्थ अच्छी होती है हम और सारी क्लासेस करेंगे। आई होप दैट यू विल डूइंग सो गुड इन योर स्टडी, स्टे सेफ, स्टे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते।